गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास क्लास 10th मैथ्स। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15.2 सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। लास्ट क्लास में हमने 15.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। उसमें हमने लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, यहाँ तक का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है 15.2 का। आज जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें पहला नोट। नोट क्यों? क्योंकि नोट पढ़ोगे तो नोट मिलेंगे। तो पहला नोट क्या लिखा हुआ है आपके सामने, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच मूव्स राउंड 6 डिग्री ड्यूरिंग 1 मिनट। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सबसे पहले अंडरलाइन कर लो, ब्लॉक कर लो वन मिनट हैंड को, कि किसकी बात चल रही है? मिनट हैंड की बात चल रही है। मिनट हैंड भाई, आपकी जो वॉच है आपने पहन रखी होगी, आपकी वॉल पे लगी हुई होगी, 1 सेकंड की हो गई, 1 आवर की हो गई और 1 मिनट की हो गई। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? मिनट हैंड की। ठीक है, तो मैं एक वॉच बना देता हूँ आपके सामने, मिनट हैंड, ये मान लीजिए मिनट हैंड की, मिनट हैंड। अब जब ये पूरा मिनट हैंड रोटेट करके पूरी आ जाएगी, ठीक है, क्या होगा बच्चों समझना कि ये 6 डिग्री आया कैसे, क्या मतलब है इसका, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। देखो 1 आवर में कितना एंगल बना लेगी आपकी ये वॉच की जो, देखो यहां से आपने स्टार्ट किया राउंड करना, कंप्लीट करके पूरा आ गए, कौन? मिनट हैंड। जब कंप्लीट पूरा रोटेट करके आ जाएगी तो 1 आवर हो जाएगा। 1 आवर मतलब कितना? 360 डिग्री। और 1 आवर को आप किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट में। तो 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। आगे बात समझ में? यहां से 1 मिनट निकालो, 360 डिग्री अपॉन 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बना रही है? 6 डिग्री। तो आपको ये नोट रटना ही नहीं है, समझना भी है कि वो आया कहाँ से, वो लैंग्वेज आई कहाँ से। बुक में दे दिया लिखकर कि भैया जो मिनट हैंड होती है 6 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में। अरे बनाती है तो बताओ ना कैसे बनाती है। तो बिल्कुल ऐसे बनाती है कि 1 आवर में कितना एंगल बना लेगी टोटल? 360 डिग्री। लेकिन पूछा किस में हमने? 1 मिनट में पूछ रहा है हमसे। तो 1 मिनट के लिए 1 आवर को चेंज किया 60 मिनट में और 60 को नीचे भेज दिया, 60 को नीचे भेज दिया, कैंसिल आउट होके आपका आ गया 6 डिग्री। कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया। किसकी बात चल रही थी? मिनट हैंड की। अगर यही बात मैं करूं आवर हैंड की, किसकी बात करूं बच्चों? आवर हैंड की। तो आवर हैंड में देखिए 12 आवर में जब आवर वाली हैंड आपकी कंप्लीट रोटेट करके आएगी तो 12 आवर और कितना एंगल बना लेगी? 360 डिग्री। तो जब आप यहां से 1 आवर निकालेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 360 अपॉन 12, कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री। अब लेकिन पूछा किस में है मुझसे? 1 मिनट में। और किस में निकाल रहे हो? आवर में। तो फाइंड आउट किस में करना पड़ेगा? मिनट में। तो 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट बराबर कितना? 30 डिग्री। तो 1 मिनट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ गया 30 डिग्री अपॉन 60, जो आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो यही लिखा हुआ है कि जो आपकी आवर हैंड है, ठीक है, वो वॉच की राउंड में कितना एंगल बनाएगी? 1/2 डिग्री एंगल बनाएगी। कितने में? 1 मिनट में। तो मिनट वाली हैंड बनाती है 6 डिग्री का और आवर हैंड बनाती है 1/2 का। इतना सा आपको याद रखना है। अब सर ने पढ़ा तो दिया कि सर ये नोट हमारे समझ में आ गया, आया कहाँ से वो भी बात समझ में आ गई, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर है? सर इसका मैं यूज़ कहाँ करूँगा, इसका यूटिलाइज़ कहाँ होगा? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th जो आपका है एक्सरसाइज 15.2 का, उसमें क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, कौन सी हैंड की बात चल रही है? मिनट हैंड की बात चल रही है, मिनट हैंड की। और क्लॉक कितने लेंथ की है? 10.5 सेंटीमीटर की। तो इसे मैं यहां से इरेज करता हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे जब आप, तो सबसे पहले रेडियस कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर।
और कौन से हैंड की बात चल रही है बेटा क्वेश्चन में? मिनट हैंड की। तो यहां आ जाओ, मिनट हैंड ये रहा, कितने डिग्री यूज करना है? 6 डिग्री यूज करना है। कितने डिग्री? 6 डिग्री। ठीक है, ऑफ ए क्लॉक इज 10.5, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। कौन सी हैंड? मिनट हैंड इन 10 मिनट। टाइम गिवन है 10 मिनट, मतलब ऐसा हुआ कि वो समथिंग यहां थी, रोटेट करती गई यहां से यहां तक और यहां तक आ गई। तो ये जितना पोर्शन उसने कवर किया मिनट हैंड ने 10 मिनट में, यहां से यहां तक मान लिया कि 10 मिनट लगा उसे आने में, तो ये जितना पोर्शन एरिया कवर किया ये फाइंड आउट करना है। तो क्या नजर आ रहा है आपको? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नजर आ रहा है, तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब कहोगे सर रेडियस तो पता है, थीटा कहां से लाएं? तो बेटा वो थीटा फाइंड करने के लिए ही ये दो नोट पढ़ाए मैंने कि जब मिनट हैंड हो तो 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो टाइम को, और जब आवर हैंड हो तो 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो टाइम को। टाइम कितना गिवन है? 10 इंटू कर दो कितना? 6 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। अब आ गई बात समझ में कि ये दोनों नोट कहाँ पर काम आए? कि क्वेश्चन में जब टाइम गिवन हो तो उस टाइम को अकॉर्डिंग टू हैंड, कि मिनट हैंड है कि आवर हैंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करके थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 22/7, रेडियस हो गई 10.5 इंटू 10.5 इंटू 60/360। 60 से गया 6 बार। अब आप लिखेंगे 22 × 105 × 105, 0.5 की जगह आ गया नीचे 100 और आपका 7 × 6। आगे बात समझे? अब जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए रफ में, 105 को मल्टीप्लाई करो, फिर 22 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 242550। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है, आप भी मल्टीप्लाई करके देखें। 105 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 242550, और नीचे आपका बचा हुआ है 6 × 7 × 100। और आफ्टर सॉल्यूशन आप डिवाइड कीजिएगा 42 का फिर 100 का, तो आफ्टर सॉल्यूशन आपका आ जाएगा आंसर 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ इतना देखना था कि कौन सी हैंड है, मिनट हैंड है हावर हैंड है, और जो भी टाइम गिवन है उस मिनट हैंड या आवर हैंड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके थीटा फाइंड आउट करना है। और ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये तो हमने पहले ही सीख लिया, बस उसका हमें यहाँ पर थीटा ही निकालना होता है मिनट हैंड या आवर हैंड देखकर। तो ये हो गया मिनट हैंड का एक क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन एक आवर हैंड का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं? आवर हैंड का। तो ये नोट आ गई बात समझ में, और ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आगे बात समझे बच्चों? तो आप वो लिख लेना क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल है आपकी बुक का, इसमें लिखा हुआ है आपके पास बच्चों द लेंथ ऑफ ए आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय दिस आवर हैंड विद इन 90 मिनट। समझ रहे हैं आप बात को? चलो क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं दोबारा, ध्यान से देखिएगा। द लेंथ ऑफ एन आवर हैंड, सबसे पहले
उस पर अंडरलाइन कर लो जो हैंड गिवन है, कौन सा गिवन है, आवर हैंड। पहले मिनट हैंड था, आपकी बार कौन सा हैंड है, आवर हैंड। ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी गिवन है लिख लो बेटा सॉल्यूशन में, रेडियस आपके पास आ गई मेरे बेटा 6 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय दिस आवर, सेम एरिया निकालना है माइनर सेक्टर का, आवर एंड कितने मिनट में, 90 मिनट में, तो टाइम कितना गिवन है, टाइम टी गिवन है 90 मिनट। लेकिन आवर हैंड की बात कर रहा है आपसे, आवर हैंड में आपने क्या पढ़ा कि थीटा निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे टाइम को, 1/2 डिग्री से, और सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। आ गया थीटा, अब रेडियस पता है, थीटा पता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये तो सतीश सर ने हमें प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा दिया था, ठीक है, तो आराम से देखते जाइए, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, 22/7, रेडियस हो गई 6 × 6, एंगल हो गया 45 और 360, यही है। रेडियस पताती, थीटा पताती, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करते ही सबसे पहले आप 6 से कैंसिल करो 60 बार, फिर 6 से कैंसिल करो 10 बार, 5 से करो 2 बार, 5 से 9 बार, और 2 से करो 11 बार, तो ये आ गया 11 × 99/7, तो 99/7 में डिवाइड करो 1 बार, फिर 9 में 7 का किया 1 बार, फिर गया 4 बार, ऐसे करके समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। आंसर कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, पॉइंटों में आंसर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, नेसेसरी है, क्योंकि बिना यूनिट के कितने मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क्स। तो आपके दो नोट पढ़े आज हमने, एक मिनट हैंड वाला, एक आवर हैंड वाला, और दोनों पे बेस क्वेश्चन हमने कर लिया। तो ये जो आवर हैंड मिनट हैंड है ना, यहाँ टाइम गिवन होता है, थीटा फाइंड आउट करना होता है, और फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ। आ गई बात समझ में, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना सा ही, आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यूज हो सॉल्यूशन में, या मिनट हैंड आवर हैंड में, या अब तक के प्रीवियस लेक्चर में कोई भी डाउट आया हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर, नंबर सबको पता है कि नहीं, लिख लीजिए 9468818774, या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके मुझसे टेक्स्ट मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई हेजिटेशन नहीं रखना कि सर को फ़ोन करूँगा, सर क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे बेटा, आप फ़ोन कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। या आपको डाउट आ रहा हो तो आप स्कूल आवर्स में भी आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, होप सो आपको समझ में आया हो, जितना हो सके उतना वीडियो लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।